जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं था, हमारी सरकार बनने पे 750 बेड का मेडिकल कॉलेज देने का काम भी किया है। इसमें निर्माण पर 532 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और वहीं MBBS के साथ साथ MD MS की सीट भी उपलब्ध होगी। वहीं गठबंधन सरकार ने बुजुर्गों को पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 2250 रुपए करने का काम किया है। वहीं भविष्य में इस पेंशन को 5100 रुपए करने का भी काम करेगी, और करिसिंध में मॉडल लाइब्रेरी बनाने का काम भी किया जाएगा। इस लाइब्रेरी में कोचिंग सेंटर की व्यवस्था हो ताकि हल्के के युवाओं को भी रोजगार मिल तरह कोचिंग के लिए दिल्ली सहित दूसरे शहरों में भी ना जाना पड़े। गांव में जो खेल स्टेडियम है उनमें से लड़कियों का कोई एक खेल चुनकर बताएं ताकि उस खेल की हर तरह की व्यवस्था वो अपने निजी कोच से कर सके, और ढलके कोठी में सदुकोयन के हल्ड तक राजवाह की जो मार्ग है उसको भी पूरा कराने का काम किया जाएगा। उचाना खुर्द गांव IIT में 20 गुना और 20 गज की जगह होडाडी कंपनी को दे दी है, जिसमें से कंपनी द्वारा लैब बनाई जाएगी, उनमें से वे ही ट्रेनिंग दी जाएगी जो होडा को जरूरत होगा। तो दोस्तों जुड़े रहें आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब।